तो गाइस आप लोग जो देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से इसने जो होल है वो कर दिया है। अभी हम एक और होल करते हैं। आप लोग जो गाइस देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से ये जो होल है वो कर देती है। तो गाइस वीडियो में कोई कट नहीं है, मैं आपको एक और बार होल जो है करके दिखाता हूँ। यार आज की इस वीडियो में हम जो है एक DC 12 वोल्ट ड्रिल मशीन बनाने वाले हैं। जैसे आप लोग जो देख सकते हैं इसी के अंदर गाइस एक बैटरी पैक भी होने वाला है और यहां से आप इसे जो है चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये जो ड्रिल मशीन है कैसे बनाई गई है तो स्टार्ट करते हैं गाइस ये वीडियो। तो इसे बनाने के लिए गाइस मैं एक 1.5 इंची के पाइप का जो है यूज कर रहा हूँ और मैं इस पर बीच में जो एक मार्किंग कर लूंगा। मार्किंग करने के बाद हमें इसे जो है हेक्सा ब्लेड से कट कर लेना है। तो मैंने ये जो है कट कर लिया है बीच में से, आप लोग जो इसे देख सकते हैं, और 4 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई रखी है। और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 555 डीसी मोटर है और ये बड़ी वाली जो है 775। मैं 775 डीसी मोटर का यूज कर रहा हूँ। तो गाइज यार मैं इस मोटर को जो है इस पाइप में बीच में लगा लूंगा। तो आप लोग जो है देख सकते हैं ये जो पाइप है काफी ज्यादा छोटा है, तो आपको जो डीसी मोटर है कुछ ऐसे पहले लगा लेनी है, उसके बाद एक पीवीसी पाइप का पीस काट के कुछ ऐसे आपको जो चिपका देना है। तो मैं इस पाइप को जो थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा गाइस। तो अभी आप लोग जो देख सकते हैं मैंने ये जो है सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है और ये पाइप है अभी जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जो है राउंड कटिंग कर लूंगा इसके लिए। और इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर जो है दो ऐसे गोल पीस कट कर लूंगा। और इसके बाद जो हमारी डीसी मोटर है उसके जो होल हैं दोनों, इन दोनों होलों के लिए मैं इस पीस पे जो है मार्किंग कर लूंगा और एक बीच में शाफ्ट के लिए भी होल कर लूंगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो होल भी कर लिए हैं और इसे कुछ मोटर के ऊपर आपको ऐसे लगा देना है ताकि जो हमारा पीस है इस मोटर से अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसके बाद मैंने यहां पर दो वायर जो है मोटर पे सोल्डिंग कर दिए हैं। और इसके बाद मैं जो है पीवीसी पाइप के अंदर मोटर को अच्छी तरह से लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैं जो है एक पीवीसी पाइप का 4.5 इंच का पीस जो ले रहा हूँ, आप लोग इसकी चौड़ाई भी देख सकते हैं। तो इसे मैं जो है हैंडल के लिए यूज करने वाला हूँ, उसके लिए मैं इसे जो है गैस पे थोड़ा सा हॉट कर लूंगा। और इसके बाद आपको इसके ऊपर कोई जो है भारी चीज रख देनी है और इसके बाद कुछ ऐसी शेप आ जाएगी इसमें आपको जो ये दिख रही होगी। और देन इसके बाद हमें जो है एक सैंड पेपर लेके इसे मोटर के ऊपर रखकर और इसे जो है हम इस हैंडल को इसके ऊपर जो हम घिस लेंगे थोड़ी देर। तो घिसने के बाद हमें जो है कुछ इसके नीचे ऐसे चिपका देना है। तो गाइस यार मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है लंबे लंबे होल टाइप के कर दिए हैं, ये मैंने जो है दोनों तरफ किए हैं ताकि जब हमारी मोटर चले तो उसकी जो हीट है वो बाहर निकल सके। तो ये जो मोटर के वायर है इन्हें मैं जो है एक होल में से जो है निकाल लूंगा। मैं जो है 12 वोल्ट डीसी स्विच का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस स्विच को इस हैंडल पे कुछ ऐसे लगाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है एक होल भी कर दूंगा। होल करने के बाद गाइस इन वायर्स को हमें जो पहले इस हैंडल में से निकाल लेना है और निकालने के बाद गाइस इसमें से मैं एक वायर को जो कट कर दूंगा जो रेड वाला वायर है। कट करने के बाद इस स्विच के एक वायर से मैं जो है इस रेड वायर को सोल्डर कर दूंगा और सोल्डिंग करने के बाद जो दूसरा कनेक्टर है स्विच का उस रेड वायर को मैं वहां कनेक्ट कर दूंगा। तो आप लोग जो देख सकते हैं अभी दो वायर जो हमारे आ गए हैं। इसके बाद इन वायर्स को हमें जो इस हैंडल के अंदर लगा देना है।
जो हमारा पुशअप स्विच है उसे हम जो है टाइटली लगा देंगे। और इसके बाद ये जो हैंडल है हमें इसके नीचे कुछ ऐसे चिपका देना है। चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज कर रहा हूँ, तो कुछ अच्छी तरह से मैं इसे जो है चिपका दूंगा ताकि ये जो हैंडल है वो हिले नहीं। तो गाइस आप लोग जो देख सकते हैं जो हमारा हैंडल है वो अच्छी तरह से यहाँ पर चिपक चुका है। और यहाँ पर पीछे की तरफ मैं जो है एक गोल पीस लगा दूंगा, कुछ ऐसे आपको एक जो पीस है वो लगा देना है और इसे जो है अच्छी तरह से मैं सुपर ग्लू से फिक्स कर दूंगा। और इसके बाद मैं इसे जो है सैंड पेपर से क्लीन कर दूंगा अच्छी तरह से। तो गाइज यार मैं एक पीस ले रहा हूँ, इसकी आप जो लंबाई और चौड़ाई है वो देख सकते हैं। ऐसे मैंने दो पीस जो है कट कर लिए हैं और मैं यहाँ पर इन पीसों को इसमें जो है चिपका दूंगा। तो जो हमारी बैटरीज हैं उन्हें रखने के लिए मैं एक बॉक्स जो है बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 18650 लिथियम बैटरीज का यूज कर रहा हूँ। एक बैटरी 3.7 वोल्ट की है, तो आप लोग जो देख सकते हैं मैं यहाँ पर इन तीनों बैटरीज से 12 वोल्ट बनाने वाला हूँ। हम जो है इन बैटरीज के सीरीज में कनेक्शन जो है कर लेंगे। पहले इन पर जो टेप लगा देंगे ताकि ये जो बैटरीज हैं आपस में चिपक जाए। तो चिपकने के बाद गाइस एक वायर हम जो है प्लस में लगा देंगे और दूसरा जो वायर है उसे माइनस में सोल्ड कर देंगे। तो अभी ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक वायर जो है प्लस में लगा दूंगा और गाइस दूसरा वाला जो वायर है उसे माइनस में। तो अभी एक प्लस का वायर बचा, इसे हम यहाँ सोल्ड कर देंगे। और गाइस यार दूसरी साइड ऐसे ही हम एक वायर और प्लस का निकाल लेंगे। तो इसे मैं जो है कट कर दूंगा। तो अभी आप लोग जो देख सकते हैं गाइस एक वायर जो प्लस का और एक वायर जो है हमारा माइनस का निकल चुका है। और यहाँ पर हम जो है टेप लगा देंगे और इसे जो है इस बॉक्स के अंदर जो है अच्छी तरह से चिपका देंगे। इसके बाद गाइस मैंने एक होल भी कर दिया है। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट कनेक्टर का यूज कर रहा हूँ इसे चार्ज करने के लिए। इसे भी मैं जो है सुपर ग्लू से अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगा गाइस। और इसके बाद मैंने दो छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। इन पीसेस को मैं जो है इस बॉक्स के लेफ्ट और राइट में सुपर ग्लू से अच्छी तरह से चिपका दूंगा। मैं चिपकाने के बाद अभी आप लोग जो देख सकते हैं दो वायर हमारे जो है डीसी सॉकेट के हैं और दो वायर जो हमारे लैपटॉप बैटरीज के हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक वायर कनेक्टर का और एक वायर जो है बैटरीज का आपस में ज्वाइंट कर दूंगा सोल्डरिंग आयरन से। तो ऐसे ही एक वायर डीसी कनेक्टर का और दूसरा जो वायर है बैटरीज का हम इसमें भी ऐसे ही चिपका देंगे। तो हम अभी जैसे ही इस डीसी सॉकेट में एडाप्टर लगाएंगे तो जो हमारी बैटरीज हैं वो यहाँ पर चार्ज होने लग जाएंगे। तो इस पीस में मैंने जो एक होल कर दिया है और इन मोटर्स के वायर्स को मैं इस होल में होते हुए निकाल लूंगा और इसे जो है सुपर ग्लू से फिक्स कर दूंगा अच्छी तरह से। एक वायर हम जो है मोटर का और एक वायर जो है बैटरी का सोल्डरिंग कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे वायर को भी दूसरे वाले मोटर के वायर से जो है सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसके बाद हम इन वायर्स पर जो है टेपिंग कर देंगे ताकि ये जो वायर हैं आपस में शॉर्ट सर्किट ना करें। टेप लगा देने के बाद गाइस मैं इसे जो है अंदर की तरफ लगा दूंगा। और लगाने के बाद गाइस मैं यहाँ पर जो है स्क्रू का यूज कर रहा हूँ ताकि ये कभी खराब हो तो हम इसे जो है दोबारा से रिपेयर कर पाए, हम इन स्क्रू को दोबारा से खोल सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज यार आप लोग जो देख सकते हैं जो हमारी ड्रिल मशीन है 90% कम्प्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जो इसे साइड में रख देते हैं और आपको जो कुछ ऐसा एक ड्रिल चक आप लोग जो देख सकते हैं इसकी जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज ये जो चक है ना ये कुछ खास है,
इस चक, ये जो चक है आपका, जो एसी वोल्टेज की ड्रिल मशीन आती है, ये वही वाला चक है, बड़ा वाला। गाइस जो छोटा वाला चक होता है 12 वोल्ट डीसी का, उसमें आप 10 एमएम की शाफ्ट जो है नहीं लगा सकते हैं। इसके अंदर आप 10 एमएम से लेके 15 एमएम तक की शाफ्ट आराम से लगा सकते हैं। और इसमें ना एक गाइस एक बोल्ट लगा हुआ है, आप लोग जो देख सकते हैं, इसमें जो है 5 एमएम का होल दिया हुआ है। तो हुआ क्या गाइस, इस होल में कुछ जो हमारी जो ड्रिल मशीन है उसकी जो बिट है ना मोटर की, कुछ ऐसे लग जाएगी, आप लोग जो देख सकते हैं। और लगने के बाद इसके अंदर जो है एक एल की है, इस एल की से हम जो है इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि ये जो है निकले नहीं गाइस इसमें से, इसकी जो बिट है। अभी ये जो टाइट हो चुका है और इसके अंदर जो बिट होती है इसे कसने के लिए यहाँ पर। और इस अगर आपको गाइस ये पूरा सेट मंगाना है ना, तो मैं आपको इसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे जो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 1.5 एमएम की बिट है, तो मैं इसे जो कुछ ऐसे लगा दूंगा। और ये जो एल की है ना, ये जो इसका जो इससे आपको जो है इस चाबी की मदद से आपको ये जो है बिट टाइट लगा देनी है गाइस, ताकि ये जो बिट है वो निकले नहीं। तो अभी आप लोग जो देख सकते हैं, मैं जैसे ही स्विच को प्रेस करता हूँ तो जो बिट है काफी तेजी से गाइस घूम रही है यहाँ पर। अभी गाइस जो हमारी बैटरीज हैं वो फुल चार्ज नहीं है। और अगर आपको जो गाइस ज्यादा तेजी से होल करना है या फिर कोई ज्यादा मोटी प्लाई में होल करना है, तो आप इसे जो है 24 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पर 12 वोल्ट की 3 बैटरीज का यूज कर रहा हूँ गाइस, मैंने इसमें 3 बैटरी लगाई है, आप यहाँ पर 24 वोल्ट का यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं तो भी ये जो है काफी तेजी से चल रही है, तो देख सकते हैं ये जो है पीवीसी पाइप कितना ज्यादा मोटा है। तो इसी से मैं जो है आपको होल करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे जो है कुछ ऐसे, तो गाइस आप लोग जो देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से इसने जो होल है वो कर दिया है। अभी हम एक और होल करते हैं, तो आप लोग जो देख सकते हैं गाइस जो होल है काफी बढ़िया इसने जो किया है। एक और मैं जो है अभी हम जो है एक और करते हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैंने कोई कट नहीं लगाया है। तो गाइस यार काफी अच्छी तरह से जो होल है वो कर दिए हैं। इसके बाद गाइस ऐसी एक पीवीसी पाइप पे मैं आपको यहाँ पर एक होल करके दिखाता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से जो होल है वो ये कर रही है। तो गाइस यार ये जो है एक MDF बोर्ड है, इस पे मैं आपको जो है होल करके दिखाता हूँ। आप लोग जो गाइस देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से ये जो होल है वो कर देती है। तो गाइस वीडियो में कोई कट नहीं है, मैं आपको एक और बार होल जो है करके दिखाता हूँ। गाइस काफी अच्छी तरह से ये जो होल है कर रही है। और इसकी MDF की आप जो चौड़ाई भी चेक कर सकते हैं। गाइज यार अगर आपको ये जो ड्रिल मशीन है अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो में एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में गाइज़।